हेलो एवरीवन, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस फूड लाइफ में। आशा करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, तंदुरुस्त होंगे, खुश होंगे। आज दिन है संडे का, तीज से अगला दिन, और मौसम बहुत बहुत अच्छी धूप वाला, गर्मी वाला आज है, क्योंकि अभी सुबह सुबह ही बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो ये तो जाएंगे, पर आज मुझे थोड़ा सा रिलैक्स इसलिए है कि आज मुझे सब्जी नहीं बनानी। सब्जी खाना बहुत रखा है, बस मुझे बनानी है कुछ गर्मा गर्म पूरियाँ, क्योंकि रात मैंने पूरी नहीं बनाई थी और छोले रखे हुए हैं। छोले से ना पूरी टेस्टी लगती हैं, तो मैं बनाऊंगी बस लंच ब्रेकफास्ट सब उसी में हो जाएगा, सिर्फ पूरियाँ बनाऊँगी। और अभी हमारी चाय हुई है, पूजा हो गई है, सब कुछ हो गया है, सब उठ भी गए हैं, लेकिन आज सर मेरा भारी भारी सा लग रहा है, या तो कुछ नींद पूरी नहीं हुई या कुछ भी, मतलब तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है आज, तो सर ना थोड़ा भारी सा हो रहा है और आँखों में भी हल्का हल्का पानी सा मुझे लग रहा है। धुंधली सी आँख हो रही है, मतलब दिखने में फ्लू वगैरह नहीं है, सिरे को बिल्कुल भी आराम नहीं हो रहा है। सिरे को हो गए हैं चार दिन फ्लू में हो गए हैं। आज थोड़ा सा लगा उसको कि हाँ आज इतनी, मतलब जो आँखों में रड़कन होती है ना, चुभन सी, वो कुछ कम हुई है। स्वेलिंग है तो उसकी है, बाकी सब ठीक है। अब मैं चलती हूँ किचन में और फटाफट से गर्मा गर्म पूरियाँ बनाती हूँ, क्योंकि इनको ऑफिस जाना है, और बस सबको ब्रेकफास्ट करा के फिर मेरा वही अपना डेली का रूटीन। शॉप पे जाऊँगी, वहाँ पे देखती हूँ। कल इतना ज़्यादा कुछ हुआ नहीं था, मतलब टाइम नहीं दे पाई थी ज़्यादा, हालाँकि कल भी गई। तो जी देखते हैं अपना आज फिर से वही पुराना रूटीन। कल से दोनों बच्चे जाएंगे, श्रेय के कल से जो है पूरी तरह से क्लासेस शुरू हो गई। हो तो गई उसकी दो दिन पहले, लेकिन आंखों की वजह से नहीं जा पाया, काम भी छूट गया है उसका। तो कल दोनों बच्चे जाएंगे और ये अपना ऑफिस जाएंगे, और शायद इनको नेक्स्ट डे फिर अपनी मीटिंग के लिए भी जाना है बाहर। आजकल कुछ ज़्यादा जल्दी जल्दी चक्कर लग रहे हैं, तो ऐसा कुछ रहने वाला है। बाहर बहुत तेज सी धूप है आज। चलिए, तो जैसे जैसे होगा आज का दिन आपके साथ शेयर करूंगी। मतलब आज थोड़ा डिफरेंट होता है, आज ग्रोसरी आनी है, ग्रोसरी बिल्कुल ख़त्म हो रही है, पर देखते हैं जब ये ऑफिस से आएंगे, जब तक मैं लिस्ट वगैरह सब बना के तैयार करूंगी। सभी काम ख़त्म करने के बाद अब आपसे मिली हूँ। आज मैंने काम का कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, काम निपट गया है सारा, और कुछ दुपट्टे मैंने हाथ से धुले थे तो उनको सुखा देती हूँ। रेडी हो गई हूँ शॉप पे जाने के लिए, क्योंकि आज मुझे थोड़ा जल्दी शॉप पे जाना है, तो सारा काम फटाफट करके। और आज घर पे ना श्रेय है, तो मुझे इतना वो नहीं रहता, मतलब फिर मैं देर नहीं करती हूँ, जल्दी ही शॉप पे चली जाती हूँ। तो ये दुपट्टे हाथ से मैंने निकाल दिए हैं, क्योंकि मशीन में ना दुपट्टे ख़राब हो जाते हैं, और कुछ दुपट्टे डाल देती हूँ, लेकिन कुछ दुपट्टे ऐसे हैं जिनको मैं हाथ से ही धुलती हूँ। और शॉप पे जाने के बाद फिर मैंने कुछ रिकॉर्ड ही नहीं किया, क्योंकि शॉप का ज़्यादा कुछ मैं रिकॉर्ड करती नहीं हूँ। अब मैं आई हूँ, मतलब आ गई थी, लेकिन फिर भी कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। अब चाय का टाइम है, तो अब बना रही हूँ मैं यहाँ पर चाय। रिकॉर्ड इसलिए मैंने नहीं किया आज कुछ भी, क्योंकि डेली का वही होता है, कई बार कुछ अलग हो जाता है, डेली अलग नहीं हो पाता कुछ भी घर में, वही रूटीन। तो डेली व्लॉग है, डेली लाइफस्टाइल है, एक चीज़ को देखते देखते आप बोर हो जाएंगे, तो इसलिए आज मैंने कुछ नहीं किया। मैंने आज जो है डिफरेंट सा व्लॉग करती हूँ, थोड़ा कुछ ही रिकॉर्ड करती हूँ, तो इसलिए बस फटाफट काम किया, फिर शॉप पे गई। और शॉप पे जाना आना ये कुछ ज़्यादा मुझे अच्छा नहीं लगता है आपके साथ शेयर करते हुए, वो भी डेली का काम है, जाना आना फिर आना, मतलब दोपहर में, तो हर टाइम करने लगूँ ना तो आप भी बोर हो जाएंगे। कुछ अलग सा हो, अच्छा सा हो तो शेयर करती हूँ। यहाँ पे देखिए चाय हमारी बन गई है, चाय हमारी बन गई है। चलिए अब चाय छान लेते हैं।
और मौसम बीच में बादल हो गए थे बहुत ज़्यादा, दिन में बहुत ज़्यादा। तो क्या शाम का टाइम हो रहा है, 4 बज रहे हैं, आज ज़्यादा मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। अब मौसम हो रहा है ठीक, बढ़िया, मशीन लग रही है अभी भी। ये देखिए आज हमारे गुड़हल की बाहर, देखिए गुड़हल पे फिर से बढ़िया बढ़िया से सुंदर से फूल आने शुरू हो गए हैं और काफ़ी सारी कलियाँ आ रही हैं। कभी कभी ना बिल्कुल फूल देने बंद कर देता है ये, लेकिन अब बढ़िया फूल आ रहे हैं पूरे में, देखिए सारे में फूल आ रहे हैं। अब सीधा ये क्लिप है ग्रोसरी लेने जाने की, तो यहाँ पे ग्रोसरी लेनी थी और ये सारा सेक्शन है दाल का, सारी तरह की दालें। तो ये सारी चीज़ें ना इस तरीके से, जो भी एक चीज़ तो हो गई है कैंसिल हमारी, आटा, आटा तो अब जो है घर का ही होने लगा है, मतलब मैं गेहूँ धुल के पिसवा लेती हूँ, लेकिन और सारी चीज़ें तो लेनी पड़ती हैं। तो लेट काफ़ी हो गया था, मतलब अंधेरा ही हो गया था जाने में, ये फिर लेट ही आए, जल्दी नहीं आए, काम था इनको, कुछ काम आ ही जाता है अर्जेंट। तो बस फिर हम आ गए हैं यहाँ पे लेने के लिए, इसीलिए मैंने फिर भी कुछ रास्ते का करा नहीं, क्योंकि अंधेरा हो गया था और हम ज़्यादा दूर वाले मॉल में नहीं आए हैं, पास में ही आए हैं, मतलब दूसरी कॉलोनी में जो मॉल है वहाँ पे आए हैं हम। यहाँ पे सामान भी अच्छा मिलता है और प्राइस भी रिजनेबल ही रहते हैं। वो होता है ना, जितनी ऊंची जगह जाओ, जितनी बड़ी जगह जाओ, उतने ही प्राइस तो ज़्यादा मिलेंगे ही, और उतना सामान नहीं मिल पाता जितना कि हमें यहाँ पे मिल जाता है एक ही जगह सब कुछ। तो वही हो जाता है कि ऊंची दुकान और फीके पकवान, तो बस वही कहावत हो जाती है। तो हम ये नहीं देखते कि बड़ा छोटा, और वैसे भी काफ़ी बड़ा ये हो गया है मॉल, सिर्फ ये ग्रोसरी का ही है, ग्रोसरी ही मिलती है यहाँ पे। देखिए चीनी कितनी सारे पैकेट हैं, चावल, मतलब छोटा नहीं है काफ़ी बड़ा है। छोटा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ग्रोसरी खाली है, मतलब वो नहीं है कि जैसे एक मॉल में सब कुछ मिल जाता है। तो खैर चलिए कोई बात नहीं है, बड़ा छोटा जो भी है, ग्रोसरी हमारी जल्दी ही आ गई थी और फिर आने के बाद मैं गई थी तक तो मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था। शाम को जो खाना बना कुछ नहीं शेयर किया, क्योंकि शाम के खाने में श्रेय ने काफ़ी हेल्प कर दी थी और काफ़ी कुछ उसने तैयारी करके रखी हुई थी, तो फिर मैंने कुछ नहीं किया और सिंपल दाल चावल हम लोगों ने बनाए थे। अब मैं आपसे मिली हूँ नेक्स्ट मॉर्निंग। कल मॉर्निंग से ब्लॉग शुरू किया था लेकिन कुछ ज़्यादा नहीं किया, तो इसलिए आज मिली हूँ आपसे नेक्स्ट डे। यहाँ पे हो रही है बच्चों के लंच बॉक्स की तैयारी, मतलब लंच बनाने की तैयारी, बॉक्स तो बाद में पैक होगा तो मैं कुछ भी बोल देती हूँ। यहाँ पे अनियन मैंने चॉपर में चॉप कर लिया है, 2 अनियन लिए थे, हरा धनिया था थोड़ा सा वो कर लिया है, 2 हरी मिर्ची जिनको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है, और ये है पनीर। प्याज और पनीर के पराठे मिक्स करके मैं बना रही हूँ, और पनीर को मैंने ग्रेट नहीं करा, ऐसे ही हाथों से ही मैंने उसको मैश कर लिया है, थोड़ा सा बारीक कर लिया है, और ये सारी चीज़ें एक जगह मैंने मिक्स कर दी हैं। जो पराठे बनेंगे बहुत टेस्टी बनने वाले हैं आज के, इसमें जाएगा टेस्ट के हिसाब से सॉल्ट और थोड़े से मसाले मैं इसमें ऐड करूँगी, पनीर की जो स्टफिंग है वो बन के तैयार हो जाएगी। अब इसमें थोड़े से मसाले मैं ऐड करूँगी, मसाले में मैंने आज अमचूर पाउडर नहीं लिया है, चाट मसाला लिया है, धनिया पाउडर लिया है, थोड़ा सा गरम मसाला, तो ये बस इतने ही मसाले मैं इसमें डालूँगी। हल्की सी मैंने रेड चिली भी डाल दी है, वैसे तो मैंने ग्रीन चिली इसमें डाल दी थी लेकिन थोड़ी सी डाली है, कलर थोड़ा सा अच्छा हो जाता है। अच्छे से इसको हाथ से मैं मिक्स कर लूँगी हल्के हाथ से, और मैं सॉल्ट इसलिए मैंने साथ के साथ ऐड कराया क्योंकि मैं पराठे अभी बना रही हूँ, अगर आप रुक के बना रहे हैं पराठे तो फिर आप सॉल्ट बाद में ऐड करें, क्योंकि फिर ना प्याज है इसके अंदर तो वो मॉइस्चर छोड़ देगा, लेकिन पनीर है तो इतना ज़्यादा कुछ होगा भी नहीं। तो यहाँ पे बस मैंने थोड़ा सा आटा लगाया है बच्चों के लिए सिर्फ, और इसके बाद फिर इनके मैं पराठे बना दूँगी। आज दही के साथ पराठे लेके जाएगा श्रेय भी, क्योंकि आज श्रेय भी स्कूल जाएगा, कॉलेज जाएगा, उसकी आंखों में थोड़ा सा आज तो खैर है आराम, कल तक तो नहीं था लेकिन कल के बाद थोड़ा थोड़ा, स्कूल कॉलेज कब तक बच्चे छोड़े, छोड़ा भी है उसने, करीब 3 दिन का छूट गया है। तो यहाँ पे सिंपल सी मैंने सिंगल लेयर वाले ही बना रही हूँ, मतलब सिंगल लोई लेके ही, ऐसे नहीं बना रही हूँ कि 2 लोई लेके, तो
बहुत ही बढ़िया सा ये मिक्सचर हमारा रेडी हो गया है, जैसे बिल्कुल आलू की स्टफिंग होती है ना बिल्कुल वैसी। और ये देखिए नॉर्मल बढ़िया पराठा हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है। 2 चम्मच भर के मैंने इस पर स्टफिंग रखी और एक बड़ी सी लोई ली, थोड़ा सा फैलाया, एकदम बढ़िया। बस ये है कि आटा हमारा सॉफ्ट होना चाहिए, अगर आटा हमने थोड़ा सा भी टाइट कर लिया ना तो फिर स्टफिंग ना साइड में निकल जाती है और ख़ासकर पनीर तो निकल ही जाता है। मीडियम आंच पे यहाँ पे मैं इनको सेक लूँगी क्रिस्पी सा होने तक, दबा दबा के अच्छे से, और फिर कर देते हैं बच्चों के लंच बॉक्स पैक। अश्रे जाता है बाद में, अंशला जाता है पहले, तो दोनों भाइयों का मैं साथ साथ ही करके रख दूँ। मौसम बारिश वाला हो रहा है, पूरे घने बादल, और बारिश फ़िलहाल तो बंद है, सिर्फ फ़िलहाल तो बंद है, हल्की हल्की बहुत टपक रही होगी एक आधी बूंद। ये देखिए हमारा गुड़ल आज बड़ा प्यारा लग रहा है, लेकिन बारिश में गीला गीला झुक रहे हैं सब फूल नीचे, और नीचे तक ही फूल खिले हुए हैं सारे। ये देखो जी पूरी रात से बारिश चल रही है, पूरी रात हो गई है बारिश में, अभी कभी सुबह बंद हो रही है कभी चल रही है। किचन का काम कंप्लीट हो गया है मेरा, और दूध अभी बॉयल हो रहा है, लाइट मैंने पूरी ऑन नहीं करी। ये देखिए दूध बॉयल हो रहा है, बर्तन वगैरह सब कर दिए हैं, साफ़ सफाई सारी क्लीन हो गई है, और अब मैं ग्रोसरी देखती हूँ आपके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि मैंने निकाल ली है ग्रोसरी, अभी साथ साथ ना रख दूँगी मैं। ये देखिए सारा मैंने यहाँ पे लगा लिया है सामान, ढेर सारी ग्रोसरी है, काफ़ी टाइम बाद इस तरीके से आई है, नहीं तो बीच में ना आ गई एक बार, वो मैंने शेयर नहीं करी थी, जो कि थोड़ी आई थी बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन इस बार भरपूर जो कि आती है हर मंथ। इस बार मैंने गैप किया है मंथ में, पूरी तरह से नहीं, मतलब आई थी पिछले मंथ कम आई थी, तो यहाँ पे अब मैं आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ पे सारी दालें मैंने लगाई हैं, और दाल में ना सब 2-2 केजी के, मतलब 2-2 पैकेट हैं 1-1 केजी के, ये साबुत मसूर, मलका मसूर बोलते हैं, उड़द दाल है, चना दाल, अरहर दाल, ये है छोले के पैकेट 2, नीचे काला चना, यहाँ पे है मूंग दाल, छिलके वाली उड़द दाल बिना धुली जो होती है, और ये है राजमा के पैकेट यहाँ पे 3-4, ये है एक पैकेट मैदे का, बेसन शक्ति भोग का है, और सॉल्ट, और यहाँ पे है सूजी, और सूजी रखी हुई भी थी, सूजी फिर ले आए कोई बात नहीं, मिश्री जो पूजा में यूज़ होती है, और ये है चने छिलका जिनका निकला हुआ ना, भुने हुए चने जो होते हैं, ये ड्राई फ्रूट में किशमिश है, अखरोट है, और ये मूंगफली हैं जो कि फ्राई की जाती हैं और काम आई जाती हैं खाने में भी, पोहे में भी, बादाम, ये हो गई मेयोनीज़, और हींग है यहाँ पे नीचे, ये है हींग रखा हुआ है, बीच में सामान आ गए हैं, ये है सोया चंक्स, हल्दी है, और हाँ ये सारे मसाले हैं जो कि थे नहीं जो चाहिए थे, सिर्फ वो हैं, बहुत सारे मसाले ना ये पैकेट वाले रखे हुए हैं तो ये सारे ख़त्म नहीं होते, ये रखे थे हल्दी, जीरा, धनिया, धनिया का है पैकेट, जीरा, साबुत लाल मिर्च,
गरम मसाले का पैक ये वाला मैं मंगवाती हूँ ये, और फिर इसको पीसते हैं। सारे मसाले घर पे ही पीसती हूँ। ये सिंघाड़े का आटा है या कुट्टू का जो भी है, ये जैसे एकादशी का फास्ट करती हूँ ना तो उसमें शैम्पू कभी कभी चाहिए होता है। धूप है, पूजा के 2 पैकेट पूजा के लिए, और नमकीन है मिक्स वाली, बिस्किट, ये बिस्किट का पूरा पैक ले आए हैं, कुछ पैकेट यहाँ पे हैं। और बिस्किट ऐसी चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, ये तो ना आ ही जाती हैं बीच में, ये इसलिए हैं पार्ले जी, कभी कभी इनका शौक चढ़ जाता है पार्ले जी खाने का, और इनको ना थोड़े बहुत हमारे रैबिट्स भी खा लेते हैं। बहुत ज़्यादा तो उनको नहीं देते हैं, पर हाँ थोड़े बहुत दे देते हैं, मन करता है उनका भी, देखते रहते हैं। तो ये सारा सामान हो गया, और यहाँ पे ये है हमारा लिक्विड का बड़ा पैक, और एक ये है पाउडर एरियल का। तो ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो जल्दी ख़त्म होती हैं और ये आती रहती हैं। पेस्ट ये मैं यूज़ करती हूँ, बाकी पेस्ट भी रखा हुआ था। ये हेयर ऑयल शांति आमला, और जी ये इस बार एक जो है रेड चिल्ली का पिसा हुआ भी ले आए पैकेट। तो वैसे तो थी ये साबुत वाली पीस लेते, लेकिन देखते हैं कैसे निकलती है, कभी कभी देखना चाहिए। और रस्क हैं ये वाले बीकानेरी रस्क, पहली बार लेकर आए हैं, तो देखते हैं ये कैसे रहते हैं। वैसे जो उसके होते हैं ना बिटाने वगैरह के, वो तो अच्छे रहते हैं, इनको देखते हैं। तो ये है हमारी ढेर सारी ग्रोसरी, नमकीन इसमें बहुत कम है, इसमें सामान कम है, जैसे नहाने की साबुन वगैरह, बर्तन की विम बार कुछ भी नहीं है, वो सारा आ चुका था पहले ही पहली ग्रोसरी में, तो वो रखा हुआ है। और ये जो लॉन्ड्री का सामान है, ये इतना लगता है मेरा, ये तो पता नहीं कितना आता है। तो जी यहाँ पे नमकीन बिस्किट ये सब पहले आए रखे हैं, बिस्किट हालाँकि बहुत आ चुके हैं। तो ये हमारी ग्रोसरी, अब मैं इसको साथ साथ ना सारी दालें जो हैं डब्बों में साथ साथ भरूंगी, और इसको अच्छे से ऑर्गेनाइज करके फिर रख दूँगी, क्योंकि बारिश का मौसम चल रहा है। सारी चीज़ें ऐसे मतलब जो लगता है कि पैकेट में ही रखा जाएगा वो पैकेट में छोड़ दूँगी, और जो डब्बे में डालने वाला है उसको मैं डब्बे में डालूँगी। दाल के डब्बे मैंने पहले ही सारे साफ़ करके रख लिए थे, और दालें थी सिर्फ 2-3 में दालें थी, बाकी साफ़ ही रखे थे। तो सारी दालें मैं इसमें साथ ही साथ पैकेट सारे ही इसमें डाल दूंगी, और 2-2 kg के ही हैं ये, 2 kg दाल इनमें ना आराम से आ जाती है, 2 थोड़े छोटे हैं। और ये मैं कई बार आपको बता चुकी हूँ, ये बहुत सालों पुराने हैं, करीब होंगे ये क्या बोलूँ 16-17 साल पुराने ये डब्बे मेरे हैं, और आज भी बिल्कुल न्यू के न्यू रखे हुए हैं। सिर्फ इनमें जो है हम दाल ही डालते हैं और कुछ भी नहीं, क्योंकि हरिद्वार आए हुए भी हमें 15 साल हो गए हैं, और उससे भी ये पहले ही हैं, तो हो गए करीब 16 साल इनको, ज़्यादा ही हो गए होंगे, इतना मुझे याद भी नहीं है। तो यहाँ पे ये देखिए, इसमें ना 2 किलो जो दाल है वो ऊपर तक आई है और इनमें नीचे तक आई है, तो इतने बड़े बड़े ये डब्बे हैं मेरे। इनको मैं यहाँ पे लगा देती हूँ, किचन मैंने अभी धुल डाल के साफ़ करी थी, और बड़ी खुली डुल्ली सी मेरी किचन है, वैसे देखने में छोटी लगती है, लेकिन इस तरह के ना बड़े आइटम बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, क्योंकि ये सारा कुछ ओपन सा ही है। और ये एक बड़ी बकेट बोलूँ या जो भी है, इसमें मैं रखती हूँ ये एक्स्ट्रा सामान, जो कि पैकेट मुझे नहीं डब्बे में डालने होते हैं। ये देखिए 2-4 सामान ना पहले बचे हुए हैं इसमें, जैसे इसमें बच रहा है मटरा जो ज़्यादा नहीं खाया जाता, और लोभिया है जो बच्चे पसंद नहीं करते तो वो बना ही नहीं है, एक चाउमीन का पैकेट पड़ा हुआ है इसमें, और ये छोले राजमा के जो पैकेट है ना, काला चना, तो काला चना भी डब्बे में है, नहीं डालूंगी। और छोले राजमा मैं डालती नहीं हूँ डब्बे में ज़्यादा, जो थोड़ा बहुत बच जाता है वही डालती हूँ, नहीं तो मैं पैकेट ही साथ के साथ भिगा लेती हूँ, और थोड़ा सा उसमें से बचता है तो वो मैं फिर डब्बे में डाल के रख देती हूँ। तो जो मसाले भी मुझे अभी नहीं डालने, क्योंकि इतना टाइम मेरे पास नहीं है कि मैं जो है ये मसाले भी अभी डाल दूं, कुछ इसमें पीसने हैं और कुछ साबुत हैं, लेकिन मैं बाद में ही डालूंगी, जैसे हल्दी वगैरह ये सब बाद में ही डालूंगी, इतना टाइम नहीं है, मुझे शॉप पे भी जाना है। तो ये देखिए सारा सामान अच्छे से लगा दिया है, और इसमें सिर्फ मैंने दालें रखी हैं एक्स्ट्रा, और यहाँ पे मैं रख रही हूँ जैसे बिस्किट हो गए हैं, और ये मसाले के पैकेट हैं, तो एक्स्ट्रा सामान मैं रख रही हूँ यहाँ पे ये सारा।
हालांकि कुछ मसाले मुझे डालने भी थे, ये वाले तो नहीं डालने हैं पैकेट वाले, लेकिन जैसे हल्दी जीरा वगैरह ये मुझे डालने थे, पर इतना टाइम नहीं है, कभी फिर मैं बाद में डालूँगी। मिश्री भी डालनी है लेकिन आज ये भी नहीं, ये भी सुबह डाल लूँगी या शाम को डाल दूँगी जैसे पूजा का टाइम होगा। अभी मैंने यहाँ पे सारा लगा दिया है, पूजा की धूप और ये, हाँ ये मिक्स अचार लेके आए, हाँ मैंने नहीं दिखाया था आपको, तो ये डब्बा और ये दो तीन चार आइटम जो भी हैं ये मैंने धुल दिए थे, जो वॉश कर सकती हूँ ना तो उसको कर देती हूँ। भाई पूजा करते हैं पता नहीं किस किस के हाथ कैसे लगते हैं ना, तो इनको मैं बाहर से वॉश करके ही रखती हूँ। जैसे अचार के डब्बे हो गए, ये खाने पीने की चीज़ें मैं बाहर से सारी धुल के और तब रख देती हूँ। जो रैपर निकालने हैं वो तो निकल ही जाते हैं जो डब्बे में भरना है। अभी कुछ मैंने ऐसे ही छोड़ दिया है मसाले, जैसे हल्दी हो गई, सूजी वगैरह, वो बाद में भरूँ क्योंकि अब मेरा टाइम हो रहा है शॉप पे जाने का। अभी थोड़ा सा मुझे किचन भी क्लीन करनी है एक बार, मैंने देखो वहीं पे कपड़ा छोड़ा हुआ है, इनको उठाती हूँ और किचन को क्लीन करती हूँ। और ये देखिए नीचे, और बारिश, बारिश की तो पूछे मत, बारिश फिर से बारिश आ गई ज़ोरदार। तो जी चलिए आज की वीडियो में इतना ही, कुछ भी व्लॉग में पसंद आया हो, ग्रोसरी पसंद आई हो, ग्रोसरी पे ही है सारी वीडियो, तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द आने वाले नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। इन प्यारे से फूलों को भी बाय बाय कर देते हैं, बारिश की आवाज़ सुन लीजिए।